हाँ तो भाई आज हम बात करते हैं ना क्राउन जूल के बारे में, जो कि देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 2 मैच ही ऑफिशियल हुए हैं, लेकिन अभी भी 3 मैच और ऑफिशियल होना बाकी है अगर टोटल 5 मैच ही होते हैं कार्ड्स पर तो। और वैसे भी ज्यादा दिन बचा भी नहीं इसको होने में। खैर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नाया जैक्स वर्सेस ली मॉर्गन के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच तो होने वाला है, और वही दूसरी तरफ कोडी रोड वर्सेस गुंथर के बीच में भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ही होने वाला है। और ये सिर्फ 2 ही मैच है जो कि अभी तक ऑफिशियल हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके तीसरे मैच की ना, तो ये पॉसिबली एल नाइट वर्सेस अंदरादे या तो कार्मिलो के बीच में हो सकता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को लेकर, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर अंदरादे वर्सेस कार्मिलो का मैच तो है और इसके स्पेशल गेस्ट रेफरी एल नाइट ही होने वाले, और उस मैच को जो जीतेगा ना वही पॉसिबली एल नाइट को फेस करेगा यूएस चैंपियनशिप को लेकर। तो दोस्तों अब देखते हैं वो कौन होता है, और क्या पता आपको ये ट्रिपल थ्रेट ही देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा होता है ना तब तो भाई ये मैच और भी तगड़ा हो सकता है। भाई कार्मिलो और अंदरादे तो जान ही जाते बैंगर मैच को लेकर, लेकिन उसी में एल नाइट का एड होना भाई 5-स्टार क्लासिकल मैच ये हो सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या WWE इस मैच को ऑफिशियल करती भी है नहीं। उसके बाद दोस्तों इसका 4th मैच या तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में हो सकता है या तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अगर WWE 5 मैच ही लेकर चलना चाह रही है ना तो इसमें से आपको कोई एक मैच ही आपको ऑफिशियल होते हुए दिखेगा, लेकिन सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड की मैच की पॉसिबिलिटी ज्यादा आई है भाई, क्योंकि रॉ पर ये दोनों ही लोग भाई लड़ने के लिए रेडी भी है। लेकिन वही रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के मैच में ना भाई रैंडी ऑर्टन तो तैयार है, लेकिन केविन ओवेंस की जो इस वक्त सिचुएशन है ना सस्पेंशन वाली, उसके हिसाब से भाई इतनी जल्दी ये मैच नहीं होने वाला। भाई WWE इसको और भी ज्यादा बिल्ड करेगी और फिर पॉसिबली आपको सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फैंस भी इस मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इतनी जल्दी इसको करना भाई कहीं से भी सही नहीं है। खैर दोस्तों, सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड का मैच शायद आपको इसी वीक रॉ पर ऑफिशियल होते हुए भी दिख जाए। तो भाई ये तो हो गया 4 मैच, लेकिन जो लास्ट मैच हो सकता है वो कोई और नहीं बल्कि रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकुआ के बीच में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में तो मैंने आपको समर स्लैम से पहले ही बताया था कि क्राउन जूल में इनका सिंगल मैच देखने को मिल सकता है, और जबकि लास्ट नाइट स्मैकडाउन पर इनके बीच फेस ऑफ वाला सेगमेंट भी हो चुका है और वहां पर इनके बीच ब्रॉल भी हुआ था और सोलो सिकुआ को अपर हैंड भी मिला था इनके ऊपर। तो यहाँ से दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख भी रही है कि WWE इस मैच को ऑफिशियल कर दे, क्योंकि भाई और कोई मैच तो होते हुए दिख भी नहीं रहा है, यही स्टोरी लाइन इस वक्त पीक पर भी है, तो चांसेस तो है इस मैच के ऑफिशियल होने के। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर ही क्या होता है और क्या ये मैच ऑफिशियल होता भी या नहीं। और रही बात दोस्तों जे उसो की ना, तो भाई इनके लिए मामला गड़बड़ लग रहा है कि कहीं इस वीक रॉ पर ही अपनी चैंपियनशिप को गवाना दे, क्योंकि दोस्तों रिसेंट में सोलो सिकुआ ने नो इट लिखकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, यानी जे उसो अभी भी इनके माइंड में घूम रहे हैं और नजर में है भाई इनके ये, और इसी वजह से ये पॉसिबली इस वीक रॉ पर ना इनको मैच कॉस्ट करवा सकते हैं। हाँ टाइटल लेने का जरूर छोटा होगा, लेकिन वहीं से इनकी वॉर गेम की स्टोरी लाइन की भी शुरुआत हो जाएगी। तो देखते हैं भाई अब क्या होता है रॉ पर, क्योंकि इस वक्त ना तो रॉ मिस कर सकते हैं और ना ही स्मैकडाउन, भाई ब्लड लाइन कहीं पर भी जा सकती है। और इंटरेस्टिंग तो ये भी होगा देखना कि क्या जिमी उसो इनको सेव करते भी या नहीं, और अगर ये ऐसा करते हैं तब तो हो सकता है कि जे उसो इनको माफ कर दें। खैर दोस्तों दिमाग में तो भाई काफी कुछ चल रहा है कि ये हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन दोस्तों ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है भाई, इसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए तो अब आपको मंडे नाइट रॉ ही देखना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन या थॉट्स है हमको जरूर दीजिएगा, और क्राउन जूल मैच को लेकर आपकी क्या क्या प्रिडिक्शन हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।